आज यहां आकर मैं अभिभूत हूं, आई एम ओवरवेल्म्ड, क्योंकि आज यहां पर जो सर्वोत्तम है हमारे देश की लोकशाही में, उसका दर्शन आज यहां पर हम लोगों को हुआ और हमने महसूस किया कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होने जा रहा है वो आज यहां पर पीपुल्स मूवमेंट बन गया। ये राष्ट्रपति का चुनाव मेरे लिए उस लड़ाई की श्रृंखला में एक कड़ी है जो कई वर्षों से मैं इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं बहुत आभारी हूं सम्मानित मुख्यमंत्री जी का कि हमारे नामांकन के दिन 27 जून को इन्होंने अपने मंत्री केटी रामाराव जी को भेजा था दिल्ली, और उनके आने से हम लोगों को बहुत बल उस दिन प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपति का ये चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है और इसीलिए शायद इस बार का चुनाव कुछ विशेष है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यह देश किस हालत से गुजर रहा है। आज मैं जब यहां आ रहा था तो आज के अखबार में एक बहुत ही विशिष्ट हमारे देश के विद्वान हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं अमर्त्य सेन जी, उनका एक वक्तव्य छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि द नेशन इज कलैप्सिंग, ये मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। और हम देखते हैं कि हर दृष्टिकोण से वो कोलैप्स हमारे सामने है। एक मिनट के लिए हम राष्ट्रपति के चुनाव को किनारे रख दें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक नागरिक की हैसियत से हम इस बात को बर्दाश्त करेंगे कि हमारा देश बर्बाद हो जाए। प्रधानमंत्री जी से मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विदेश की भावना नहीं है, हालांकि इस बात का मुख्यमंत्री जी, इस बात का मुझे जरूर सख्त अफसोस है कि नामांकन दाखिल करने के बाद मैंने उनको फोन मिलाया, मुझे बताया गया उस समय वो फोन पर उपलब्ध नहीं थे, मैंने संदेश छोड़ा कि उनसे मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि जब वो लौट कर आए तो मुझसे बात कर लें। आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का लौट कर फोन नहीं आया।
नहीं, बट ये देश के प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक साधारण नागरिक भी फोन करे तो ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को उस फोन का उत्तर देना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह शिष्टाचार सिखा ही नहीं, बहुत अफसोस की बात है। तो आपको मैं बता रहा था कि बहुत असाधारण परिस्थिति में यह चुनाव हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी पक्ष से एक महिला को खड़ा किया गया है जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। अक्सर ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है और मैं इसका उत्तर ये कह के देता हूं कि ये जो चुनाव हो रहा है इसके बारे में सर्वानुमति बन सकती थी। इट वॉज पॉसिबल टू फोर्ज ए कंसेंसस, लेकिन वो जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? वो सरकार के ऊपर थी कि हमारी ये सोच है, आपकी क्या सोच है, कैसे सर्वानुमति बनाई जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए ऐसा नहीं किया कि वो सर्वानुमति में, कंसेंसस में विश्वास करते ही नहीं है। वो विश्वास करते हैं कॉन्फ्रंटेशन में, टकराव की राजनीति पर चलना चाहते हैं। वो अपमानित करना चाहते हैं दूसरे लोगों को और इसीलिए उनके डिक्शनरी में कंसेंसस नाम का शब्द ही नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बहुत ही प्रगतिशील और बड़े प्रदेश के आप प्रतिनिधि हैं, क्या हमारे देश में यही चलेगा? क्या एक तरफा सब कुछ होगा? क्या दूसरे की इस देश में दूसरे का कि कोई इज्जत नहीं रहेगी? और इसीलिए हम जोर देकर इस बात को कह रहे हैं कि ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है आज राष्ट्रपति का चुनाव। ये दो व्यक्तियों के आइडेंटिटी की लड़ाई नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है, एक आइडियोलॉजिकल बैटल है। और उस लड़ाई को हम आपके सहयोग से लड़े हैं। और जब हम लड़ाई में जाते हैं तो हम इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि सामने जो हमारा प्रतिद्वंदी खड़ा है उसके पास कितनी बड़ी तलवार है, उसके पास कितनी बड़ी फौज है। अगर हम सचमुच अपने कॉज में बिलीव करते हैं तो हमारे पास जो भी औजार होगा, जो भी हथियार होगा, उस हथियार से हम उस दुश्मन का मुकाबला करेंगे। आज हमारे देश में यही परिस्थिति बन गई है। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन उसमें है। एक मीडिया हाउस है जिसका नाम है ऑल्ट न्यूज और एक जुबेर साहब हैं जो उसको चलाते हैं। ये आरोप लगाकर कि वो देश में वैमनस्य फैला रहे हैं, उनको जेल में बंद कर दिया गया।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उस प्रवक्ता को जिसने जहर फैला दिया इस देश में, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या प्रधानमंत्री जी हैदराबाद में जब भाषण देंगे तो इस पर प्रकाश डालेंगे? प्रधानमंत्री जी, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, गला फाड़ फाड़ कर भाषण देते हैं, हर विषय पर बोलते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन इस विषय पर बिल्कुल खामोश हैं। एक शब्द उन्होंने नहीं बोला।